ये किस किस्म की बातें कर रहे हो? अपने मामलात खुद तक महदूद रखो, मेरी मेरी बेटी को इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं करो। अंकल ये सब कुछ मैं नहीं कोई और कर रहा है। मैं तो युसरा को सपोर्ट कर रहा हूं, उसकी मैरिड लाइफ को सेव करना चाहता हूं अंकल। मैं मुझे तुम्हारी बकवास समझ में नहीं आ रही, बिला वजह मेरे घर का माहौल खराब करने की कोशिश मत करो, निकलो यहां से। फरहाद तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अंकल आप प्लीज रिलैक्स हो जाए, मुझे थोड़ा सा वक्त, ताकि ये सारा मसला मैं आपको सही तरीके से अंडरस्टैंड करा सकूं। और प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने मैंने माजी में अपनी अपनी बेवकूफी में बहुत सारी गलतियां की, और मैं जानती हूं कि किसी भी मर्द के लिए ये बहुत बहुत तकलीफ दे बात है कि उसकी उसकी बीवी का माजी में किसी से ताल्लुक रह चुका हो। लेकिन यकीन करो फरहाद, फरहाद सिर्फ मेरा दोस्त था, और जब उसने मुझे ट्रैप करने की कोशिश की, अपनी हद पार करने की कोशिश की, तो मैंने उससे हर एक ताल्लुक खत्म कर लिया था। ये सब कुछ जो जो तुम्हारे फोन में है वो रायना आंटी की घटिया गंदी साजिश थी, और उसमें कोई हकीकत नहीं है। बेवफा तुझे पता है तेरे दिल।